बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर से लास्ट थ्योरी को डिस्कस करने जा रहे हैं। उस थ्योरी का नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, या इसको मौत भी पढ़ लेते हैं, मौत भी कहते हैं। लेकिन एक्चुअली अगर हम देखें तो ये थ्योरी इतनी मुश्किल नहीं है। जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर आप उनको अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आपको इसकी सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी कि जो एनर्जीज़ हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की, वो किस तरह से चेंज होती है। जो हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रा करते हैं उसमें अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम रहता है, तो अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट इसका समझ लेंगे तो वो सारी चीज़ें फिर बहुत आसान हो जाती हैं। इस थ्योरी को प्रपोज किया होन्स एंड मुलिकन, मिलिकन भी पढ़ लेते हैं, मुलिकन भी पढ़ लेते हैं, इन 1932 में मुलिकन और होन्स ने इस थ्योरी को प्रपोज किया। तो बेसिकली ये थ्योरी भी कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करती है कि जब दो एटम एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन किस तरह से होती है, लेकिन पिछली थ्योरी से डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन करती है। इसके एक्सप्लेन करने का तरीका डिफरेंट है इस थ्योरी का, इसके बेसिक पॉस्टुलेट्स डिफरेंट हैं। तो एक तो ये कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करती है ये थ्योरी, सिग्मा और पाई बॉन्ड का डिफरेंस भी हमें बताती है ये थ्योरी। इसके बाद बॉन्ड ऑर्डर हम इसकी थ्योरी की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो दो एटम आपस में कंबाइन हो रहे हैं उनके दरमियान सिंगल बॉन्ड बनेगा, डबल बनेगा या ट्रिपल बनेगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है, यानी जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है वो मैग्नेट की तरफ वीकली अट्रैक्ट होता है, मैग्नेट ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। क्यों ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होता है, जो पीछे हम थ्योरीज पढ़ चुके हैं वो इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करती, वो इस चीज़ के बारे में नहीं बता सकती हैं कि क्यों ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होता है। लेकिन जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, इसकी मदद से हम इस चीज़ को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्यों ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होता है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जिनको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक्सप्लेन करती है। तो सबसे पहले हम इस थ्योरी के पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, सबसे पहले पोस्टुलेट्स को समझेंगे। पोस्टुलेट्स को समझने के बाद फिर हम ये देखेंगे कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं वो बनते किस तरह से, उनकी शेप्स किस तरह से होती हैं। फिर हम उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जीज़ को समझेंगे, और लास्ट पे जो इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल्स हैं हमारे सिलेबस में, हम उनको डिस्कस करेंगे। एक और बात इसमें कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है वो होमोटॉमिक मॉलिक्यूल और हेटरोटॉमिक मॉलिक्यूल, दोनों किस्म के मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करती है। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन, क्लोरीन के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन, या फ्लोरीन के मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन, ये सारे होमोटॉमिक हैं। इसके अलावा हेटरोटॉमिक, जिस तरह HCl है, इसकी फॉर्मेशन को भी हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की मदद से एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है फिलहाल, FSC में ये नहीं है। तो हम सिर्फ इन्हीं होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स के ऊपर ही कंसंट्रेट करेंगे और इन्हीं को लेकर चलेंगे, तो ये बात आपने जहन में रखनी है। तो चलिए पहले पोस्टुलेट्स की बात कर लेते हैं कि इस थ्योरी के बेसिक पोस्टुलेट्स क्या हैं। सबसे पहला असम्पशन तो इस थ्योरी का ये है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जो दो एटम आपस में कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहे हैं, जब वो आपस में मिलेंगे तो उनके एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप करने के बाद वो एटॉमिक ऑर्बिटल ख़त्म हो जाएंगे, उनकी जगह पे नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएंगे। तो पहला पोस्टुलेट ये है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जो एटम आपस में रिएक्शन कर रहे हैं उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं, ओवरलैप करने का मतलब आपस में मिलते हैं, ओवरलैपिंग के बाद ये कन्वर्ट हो जाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर। एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर कन्वर्टेड इनटू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं ये पूरे मॉलिक्यूल से रिलेट होते हैं, यानी इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ने दोनों एटम्स के न्यूक्लाई को सराउंड किया होता है, ये किसी एक एटम के न्यूक्लियस के साथ अटैच नहीं होते। जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक एटम के न्यूक्लियस के साथ अटैच होते हैं, जिस तरह के हाइड्रोजन के पास एटॉमिक ऑर्बिटल होता है 1s, एक इलेक्ट्रॉन होता है उसके अंदर, तो वो एक हाइड्रोजन के साथ ही अटैच होता है। लेकिन जब वो ओवरलैप करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो जाएगा तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो दोनों एटम्स के न्यूक्लाई को सराउंड कर
करेगा, यानी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं वो पूरे मॉलिक्यूल से बिलोंग करते हैं, वो किसी एक एटम से बिलोंग नहीं करते। तो पहला पोस्टुलेट तो ये है कि एटॉमिक ऑर्बिटल गेट्स कन्वर्टेड इनटू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। फिर सेकंड बात, जितनी तादाद में एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं उतनी ही तादाद में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, अगर चार एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं तो चार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, और अगर छः एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं तो छः ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, यानी जो इनकी तादाद होगी वो सेम होगी एटॉमिक ऑर्बिटल की और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की। तो फ़र्क क्या होगा? फ़र्क ये होगा कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे उनकी एनर्जीज़ या तो एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होगी या उनकी एनर्जीज़ एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा होंगी, यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का जो एनर्जी लेवल है वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बराबर नहीं होगा। या तो लो एनर्जी वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे या हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, किसके कंपेरिजन में? एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कंपेरिजन में। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक एस ऑर्बिटल है, एस एटॉमिक ऑर्बिटल, लाइन से इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये दूसरा एस एटॉमिक ऑर्बिटल है। जब ये आपस में इंटरमिक्स होंगे तो जारी बात है मिलके दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, वो जो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे उनमें से एक का जो एनर्जी लेवल होगा वो इन दोनों से लो होगा, एक का एनर्जी लेवल इन दोनों से लो होगा, और जो दूसरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसका एनर्जी लेवल इनसे हाई होगा। तो एनर्जी इस तरह से इंक्रीज हो रही है, ये जो है ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल है, एटॉमिक ऑर्बिटल सेम एनर्जी लेवल पे हैं, ये वाला एस एटॉमिक ऑर्बिटल और ये वाला एस एटॉमिक ऑर्बिटल। लेकिन जब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कन्वर्ट हो गए, ये लाइन एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करती है, ये एक को रिप्रेजेंट करती है, ये लो एनर्जी के साथ बना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये हाई एनर्जी के साथ। तो इस बात को याद रखना है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं उनकी एनर्जीज या तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के मुकाबले में कम होती हैं, लो एनर्जी वाले बनते हैं, या उनकी एनर्जीज एटॉमिक ऑर्बिटल्स के मुकाबले में ज़्यादा होती हैं। तो जो लो एनर्जी वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं इनको हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और जो हाई एनर्जी वाले बनते हैं इनको हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, इसको BMO कह देते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और इनको कह देते हैं ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और इनको जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं इनको यूजली स्टार के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, इनके साथ इस तरह स्टार लगाते हैं। तो ये बेसिक बातें हैं जो आपने याद रखनी है। जो भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, फॉर एग्जांपल चार एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं, चार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, उनमें से दो लो एनर्जी के होंगे, दो हाई एनर्जी के, किसके मुकाबले में? एटॉमिक ऑर्बिटल्स के मुकाबले में। दो लो एनर्जी के होंगे, दो हाई एनर्जी के होंगे, जो लो एनर्जी के होंगे उनको हम कहेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, लो एनर्जी वालों को बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और जो हाई एनर्जी वाले होते हैं, हाई एनर्जी, इनको हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और इनको यूजली स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह से ये एस और एस मिलते हैं, ये एस बनेगा और इसको हम एस स्टार सपोज कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, अगर हम इसको एस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे तो इसको एस स्टार कहेंगे। इस तरह जो भी एंटी बॉन्डिंग वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं उनके साथ यूजली हम स्टार लगाते हैं। तो ये इसका बहुत ही बेसिक पॉइंट, तीन चार बातें मैंने आप में इसको बताई, इसमें बताई आपको कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं उनकी एनर्जीज एटॉमिक ऑर्बिटल्स के मुकाबले में या कम होती है या ज़्यादा होती है, लो एनर्जी वाले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, और जो हाई एनर्जी वाले होते हैं वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं इनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो न्यूक्लियस के दरमियान में होती है, दोनों एटम्स के न्यूक्लियस के दरमियान में होती है, यानी ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ऐसे समझ लो ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो दोनों एटम्स के न्यूक्लियस के बिल्कुल दरमियान में होती है। जबकि इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस से अवे होती है, ये अनस्टेबल होते हैं। और फिलिंग का रूल, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग का रूल हमें पता है,
जो हमने फिफ्थ चैप्टर में पार्ट रखा है हुंड्स रूल के अंदर, या जो हमने पढ़ा था एफ बाउ प्रिंसिपल, उसके अंदर हमने पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है पहले लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल फिल होते हैं, बाद में हाई एनर्जी वाले फिल होते हैं। तो इसलिए इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में पहले इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन की फिलिंग, अगर इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे तो वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के रूल वही यूज़ होंगे जो हम पहले पढ़ चुके हैं, एफ बाउ प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुंड्स रूल वगैरह। अब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते किस तरह से है, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं ताकि चीज़ जो बात है आपके जहन में बैठ जाए। हमने ये फिफ्थ चैप्टर में पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं तो वो वेव्स की तरह मूव करते हैं, वेव्स की तरह बिहेव करता है, और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द पर्टिकुलर एरियाज होते हैं थ्री डिमेंशन के अंदर, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं उन एरियाज़ को हम ऑर्बिटल्स कहते हैं। ये हमने फिफ्थ चैप्टर के अंदर पढ़ रखा है। तो ऑर्बिटल्स की आपस में ओवरलैप होती है, ओवरलैप होने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन, जिसको हम वेव कहते हैं, इलेक्ट्रॉन वेव की तरह मूव करता है न्यूक्लियस के अंदर, वेव्स की आपस में ओवरलैप हो रही है। सिंपल आपने इसको ऐसे समझना है कि ऑर्बिटल्स की आपस में ओवरलैप होने का मतलब है कि वेव्स आपस में ओवरलैप कर रही हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब ट्रेवल करते हैं तो वेव की तरह करता है। और वेव की प्रॉपर्टी का हमें पता है, वेव्स जो है लाइक दिस मूव करती हैं इस तरह से। अगर हम इस तरह से एक सेंटर में लाइन ड्रा करें तो जो इसका मैक्सिमम पॉइंट होता है उसको हम क्रेस्ट कहते हैं, और जो लोएस्ट पॉइंट होता है इसको हम ट्रफ कहते हैं। ये वेव का आपका आप वेव के बारे में आपको पता है। इस तरह से हम इनको साइन भी देते हैं, इसको हम कहते हैं ये इस वेव का पॉजिटिव पार्ट है और ये इस वेव का नेगेटिव पार्ट है। तो इस तरह से हम वेव को रिप्रेजेंट करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट से वेव्स बनती हैं। अब मैंने आपको बताया कि ऑर्बिटल्स के ओवरलैप करने का मतलब है कि वेव्स आपस में ओवरलैप करती हैं, और फिजिक्स में अगर आपने पढ़ रखा हो कि वेव्स की जो ओवरलैप वो दो तरह से होती है, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी उसे कहते हैं, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप, या और भी नाम यूज़ करते हैं, पॉजिटिव ओवरलैप और नेगेटिव ओवरलैप भी कह देते हैं। अब जब दो ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक ऑर्बिटल का पॉजिटिव पार्ट दूसरे ऑर्बिटल के पॉजिटिव पार्ट से ओवरलैप करें। फिर सुन लो, एक ऑर्बिटल का पॉजिटिव पार्ट दूसरे ऑर्बिटल के पॉजिटिव पार्ट से ओवरलैप करे तो इसको हम कहेंगे पॉजिटिव, या इसको हम कहेंगे कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप। लेकिन अगर एक वेव का पॉजिटिव पॉजिटिव से करे या नेगेटिव नेगेटिव से करे, दोनों में सेम होगा, दोनों कंस्ट्रक्टिव ही होंगे। अगर एक वेव का पॉजिटिव पार्ट से या नेगेटिव पार्ट से ओवरलैप करता है तो दोनों केसेस में एक कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप है। लेकिन अगर एक वेव का पॉजिटिव दूसरी वेव के नेगेटिव से ओवरलैप करता है, एक वेव का पॉजिटिव दूसरी वेव के नेगेटिव से ओवरलैप करता है तो इस तरह की ओवरलैपिंग को हम कहते हैं नेगेटिव या डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप। तो मैंने आपको बताया वेव्स की ओवरलैप दो तरह से होती है, चूंकि इलेक्ट्रॉन वेव्स की तरह मूव करता है तो इसलिए जब ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो जो ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में कंस्ट्रक्टिव या पॉजिटिव ओवरलैप करेंगे, या तो ऑर्बिटल्स आपस में डिस्ट्रक्टिव या नेगेटिव ओवरलैप करेंगे। अगर कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप होगी, पॉजिटिव ओवरलैप होगी, तो ये वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा जिसको हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और अगर नेगेटिव ओवरलैप होगी या डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप होगी तो ये वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा जिसको हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग। दोनों पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, पॉजिटिव ओवरलैप भी होती है, नेगेटिव ओवरलैप भी होती है। तो इसलिए जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये वेव्स आपस में ओवरलैप करती हैं, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप के नतीजे में ये वाला बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, और नेगेटिव ओवरलैप या डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप के नतीजे में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। इसको यहाँ पर फिर देख लेते हैं। सपोज ये एक एटम का एस ऑर्बिटल है, ये दूसरे एटम का एस ऑर्बिटल है। फिलहाल इलेक्ट्रॉन्स मैं अभी इनमें नहीं लिख रहा, सिर्फ आपको ओवरलैप के बारे में बता रहा हूं। तो जब ये आपस में ओवरलैप करेंगे
दो पॉसिबिलिटीज हैं, कंस्ट्रक्टिवली ओवरलैप कर सकते हैं, डिस्ट्रक्टिवली कर सकते हैं, दोनों तरीके से ओवरलैप होगी। जब कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप होगी तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसकी एनर्जी कम हो जाएगी इनके मुकाबले में, इसको हम कहेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये पॉजिटिव ओवरलैप के नतीजे में बनता है, पॉजिटिव ओवरलैप, या इसको कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप भी कहते हैं। जब ये आपस में डिस्ट्रक्टिवली ओवरलैप करेंगे तो फिर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसकी एनर्जी इनके मुकाबले में ज़्यादा हो जाएगी, इसको हम कहते हैं नेगेटिव ओवरलैप, नेगेटिव ओवरलैप। तो ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये जो नीचे वाला है ये कौन सा है, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि ओवरलैप के नतीजे में किस तरह से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन होती है और किस तरह से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है, आसान तरीके से मैंने आपको बताया है कि जो वेव्स हैं, जो ऑर्बिटल्स हैं, वो किस तरह से ओवरलैप कर सकते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन किस तरह से होती है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन किस तरह से होती है। इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग का मैंने आपको बता दिया। तो यही बेसिक एक चंद एक पॉइंट्स थे जो इस थ्योरी के मेन पोस्टुलेट्स हैं। इन पोस्टुलेट्स को आपने अच्छी तरह से समझ लेना है। दो तीन ही पॉइंट हैं वो आपके जहन में बैठ गए होंगे कि कैसे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं और कैसे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन होती है। चलिए अब हम ऑर्बिटल्स की ओवरलैप को समझ लेते हैं कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं तो जो उनसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं उनकी शेप्स कैसी होती हैं। क्योंकि अक्सर ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है कि जब दो ऐसा एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं उनसे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे उनकी शेप्स को एक्सप्लेन करो, उसकी डायग्राम वगैरह बनाओ, या पी एक्स आपस में ओवरलैप करते हैं तो किस तरह से शेप्स बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, पी वाई ओवरलैप करते हैं या पी जी ओवरलैप करते हैं तो शेप्स किस तरह से बनती हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की, और नाम क्या होंगे उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के, वो यहीं पर हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम SS ओवरलैप को डिस्कस कर लेते हैं। SS ओवरलैप, जब दो S ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। अब ये S कोई भी हो सकते हैं, 1S भी हो सकते हैं, 2S भी हो सकते हैं, 3, 4, 5S कोई भी S हो सकते हैं। जो भी SS ऑर्बिटल होंगे उनके ओवरलैप इसी तरीके से होगी। तो सपोज़ ये कोई से भी दो S ऑर्बिटल हैं। अच्छा, आप इनको ऐसे इकट्ठा भी लिख सकते हैं क्योंकि S ऑर्बिटल स्फेरिकल होते हैं। एक ये वाला एस ऑर्बिटल और एक ये वाला एस ऑर्बिटल, ये आपस में मिलेंगे तो दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक लो एनर्जी का और एक हाई एनर्जी का। या आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, साथ साथ लिख लो, या इनको ऐसे अलग अलग लिख लो, एक एस को इस साइड पे लिख लो इस तरह लाइन लगा के, इतनी नीचे लाइन लगा दो, और दूसरे एस को इस साइड पे इसके सामने लिख दो, सेम एनर्जी लेवल पे इनको बनाना है। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, जैसे आपने इसको शो करना हो। तो ये दोनों आपस में मिक्स होंगे, एक लो एनर्जी का बन जाएगा। लो एनर्जी का ऑर्बिटल कब बनेगा, जब कौन सी ओवरलैप होगी, पॉजिटिव ओवरलैप। पॉजिटिव को हम कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप भी कहते हैं या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी कहते हैं। पॉजिटिव ओवरलैप होने का मतलब है कि दोनों ऑर्बिटल्स की जो सेम लोब्स हैं, यानी जो सेम वेव्स हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव वाली या नेगेटिव नेगेटिव वाली, वो आपस में ओवरलैप करते हैं। जब पॉजिटिव ओवरलैप होती है तो जो ओवरलैपिंग एरिया है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है और ओवरलैपिंग एरिया बड़ा हो जाता है। इस तरह से जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसकी शेप कुछ इस तरह से होगी। जब ये दोनों आपस में पॉजिटिव ओवरलैप करेंगे, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा BMO, उसकी शेप कुछ इस तरह से होगी। इस तरह से दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ये कौन सी ओवरलैप करें, नेगेटिव ओवरलैप या डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप। डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप के नतीजे में क्या होगा, ओपोजिट वेव्स, ओपोजिट जो वेव साइंस हैं वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपल्शन होगी। नेगेटिव जो ओपोजिट साइन के एक दूसरे के साथ ओवरलैप करने का मतलब है कि रिपल्शन होगी। तो रिपल्शन के नतीजे में ये ऑर्बिटल इस तरफ को चला जाएगा, एक एस ऑर्बिटल, और एक एस ऑर्बिटल इस तरफ को चला जाएगा। ये दरमियान में जो एरिया होता है इसको नोड कहते हैं, नोडल एरिया, ये नोड कहा जाता है इसको। तो इस तरह से शेप बनेगी। ये कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जो जब दो एस ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं उनकी शेप्स कुछ इस तरह से होती हैं। पॉजिटिव ओवरलैप,
बड़ा हो जाएगा ओवरलैपिंग एरिया, क्योंकि पॉजिटिव ओवरलैप हो रही है। जब नेगेटिव ओवरलैप होगी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपल्शन के नतीजे में इनके दरमियान में एक नोड क्रिएट हो जाएगी। नोड जनरली उस एरिया को कहते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है, उस एरिया को हम नोड कहते हैं, या नोडल प्लेन भी कह दिया जाता है उस एरिया को। तो इसका नाम क्या बनेगा? इसको हम कहेंगे सिग्मा एस, सिग्मा एस कहेंगे। अगर ये 1s होगा तो सिग्मा 1s कह देंगे, 2s होंगे तो सिग्मा 2s कह देंगे। वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे कौन से s ऑर्बिटल यूज़ हो रहे हैं। चूँकि हम यहाँ पे जनरल बात कर रहे हैं तो इसलिए इसको हम सिग्मा एस कहेंगे। और जो हाई एनर्जी वाला, ये भी सिग्मा एस ही होगा लेकिन इसके साथ स्टार लगा देंगे। इस स्टार का ये मतलब है कि ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। इस स्टार का ये मतलब है कि ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम शो कर रहे हैं। तो सिग्मा एस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और सिग्मा स्टार एस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इस तरह से कुछ इनकी शेप्स बनेगी। अगर वो आपको कहे कि बताओ शेप्स कैसी बनेंगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की, तो फिर आपने ये डायग्राम ऐसे उसको बना के दिखानी है, अगर वो आपको एग्जाम में ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। अदरवाइज जब हम एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे तो एग्जाम्पल्स में हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की शेप्स ऐसी नहीं बनाएंगे, ये बात ज़हन में रखनी है, क्योंकि बहुत से बच्चों को इस चीज़ में कन्फ्यूजन होती है। वहाँ पे हम बिल्कुल ऐसी शेप्स नहीं बनाने वाले। ये सिर्फ यहीं पे मैं आपको बताऊंगा कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं उनकी शेप्स कैसी बनती हैं। वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे सपोज ये दो एस ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, जब हम एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे, तो एक जो लो एनर्जी का बनेगा यहाँ पे लाइन लगा के उसके ऊपर एक सर्कल बना देंगे, ये लो एनर्जी का ऑर्बिटल जिसे हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। और एक बनेगा हाई एनर्जी का, वो भी इस तरह से हम एक लाइन लगा के इसके ऊपर एक सर्कल बना देंगे, ये बन जाएगा ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये बन जाएगा BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा एस, और ये सिग्मा स्टार एस। तो जब हम एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे वहाँ पे हम ऐसे ही बनाएंगे, वहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की इन शेप्स की बनाने की ज़रूरत नहीं होती। वहाँ पे सिंपल लाइन लगा के वहाँ पे उसके ऊपर एक सर्कल बना देते हैं, ये लो एनर्जी के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं और ये हाई एनर्जी के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इस बात को आपने ज़हन में रखा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं PX और PX की ओवरलैप को। जब दो एटम्स के PX और PX ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं तो उनकी ओवरलैपिंग किस तरीके से होती है? हमें पता है कि जो PX ऑर्बिटल होता है अलॉन्ग एक्स एक्सिस होता है। तो दो PX ऑर्बिटल हम यहाँ पे बना लेते हैं, थोड़ा नीचे करके बनाते हैं, एक एटम का PX ऑर्बिटल और ये दूसरे एटम का PX ऑर्बिटल। तो ये आपस में ओवरलैप करेंगे, इनकी ओवरलैपिंग के नतीजे में दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक लो एनर्जी का। लो एनर्जी का कब बनेगा? जब कौन सी ओवरलैप होगी? पॉजिटिव ओवरलैप, पॉजिटिव ओवरलैप। और पॉजिटिव ओवरलैप कब होती है? जब सेम साइन वाली जो वेव्स होती हैं वो आपस में ओवरलैप करती हैं, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप होती है। तो जो ओवरलैपिंग एरिया है वो बढ़ जाएगा। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये आपस में ओवरलैप करती हैं तो ये ओवरलैपिंग एरिया बढ़ जाएगा। ये वाले जो लोब्स हैं ये छोटी हो जाएंगी, जो साइडों वाले लोब्स हैं ये छोटी हो जाएंगी, ये दरमियान वाला जो एरिया है, जो ओवरलैपिंग एरिया है, वो इनक्रीज़ कर जाएगा। तो इसकी शेप कुछ इस तरह से बनेगी, इस तरह से। ये दरमियान में ओवरलैपिंग एरिया है और ये साइडों वाले लोब्स हैं, इनको इस तरह छोटी बना देना है। तो ये बन गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जब PX और PX ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं, पॉजिटिव ओवरलैप होती है, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप होती है। जब डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप होगी या नेगेटिव ओवरलैप होगी, उस वक्त क्या होगी? रिपल्शन होगी। रिपल्शन के नतीजे में ये लोब्स क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगी। रिपल्शन का नतीजा ये होगा, ये वाली लोब्स छोटी हो जाएंगी, ये वाली लोब्स छोटी हो जाएंगी, और जो साइडों वाली लोब्स हैं उनको हम बड़ी शो करेंगे। तो कुछ इस तरह से ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, लाइक दिस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये साइडों वाली लोब्स बड़ी हो गई और ये वाले जो लोब्स हैं, जो एक दूसरे के ऑपोजिट साइन वाले जो लोब्स हैं, एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रही हैं, वो छोटी हो जाएंगी और साइडों वाली लोब्स जो हैं वो बड़ी हो जाएंगी, और दरमियान में ये नोडल प्लेन होगी। नोड के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो ये बन जाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको हम कहेंगे सिग्मा PX, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। वैसे सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन PY की ओवरलैप से भी हो सकती है, PZ की ओवरलैप से भी हो सकती है, क्योंकि
जो पहले बॉन्ड बनता है दो एटम्स के दरमियान वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, चाहे वो पी एक्स पी एक्स के ओवरलैप से बने, पी वाई पी वाई या पी जी पी जी। लेकिन इस थ्योरी के मुताबिक, इस थ्योरी के हिसाब से पी एक्स जब आपस में मिलेंगे पहले इनके ओवरलैप होगी और इनके मिलने से सिग्मा बॉन्ड की ही फॉर्मेशन होगी। एक दफ़ा सिग्मा बन गया तो फिर उसके बाद पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, इसको सिग्मा पी एक्स कहेंगे, इसको सिग्मा स्टार पी एक्स कह देंगे। कौन सा होगा, टू होगा तो साथ टू लिख देंगे, थ्री होंगे तो साथ थ्री लिख देंगे, फोर होंगे तो साथ फोर लिख देंगे, वो डिपेंड करता है कि कौन से पी एक्स ऑर्बिटल यहाँ पे यूज़ किए जा रहे हैं। इसके बाद लास्ट है पी वाई ऑर्बिटल्स की ओवरलैप और पी जी ऑर्बिटल्स की ओवरलैप। तो ये दोनों पी वाई से जब ओवरलैप करते हैं, पी वाई ओवरलैप एंड पी जी और पी जी ओवरलैप, ये जब आपस में ओवरलैप करते हैं तो इनकी ओवरलैप होती है पैरेलल फैशन में, ये लीनियर फैशन में ओवरलैप हो रही है, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, ये पैरेलल फैशन में ओवरलैप करेंगे और इनके नतीजे में पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड पहले बन चुका है लीनियर ओवरलैप से। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, ये लीनियर ओवरलैप करेंगे, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन पहले हो चुकी है, चूँकि सिग्मा बॉन्ड पहले बन चुका है तो अब ये इनके पास एक ही पॉसिबिलिटी है, ये पैरेलल ओवरलैप करें और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करें। तो इनको हम एक ही डायग्राम में इकट्ठा इनको समझ लेंगे, डायग्राम इनकी सेम बनेगी, चाहे आप पी वाई ऑर्बिटल ले लें या पी जी ऑर्बिटल ले लें। तो यहाँ पर भी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो ये कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप करेंगे या डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप करेंगे। कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप के नतीजे में ये लोब्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, अट्रैक्शन होगी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। और डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप के नतीजे में ये लोब्स एक दूसरे को रिपेल करेंगी, रिपल्शन होगी, तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। तो पॉजिटिव ओवरलैप के नतीजे में, पॉजिटिव ओवरलैप जब होगी उस वक्त ये लोब्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, ऊपर वाली लोब को अट्रैक्ट करेगी तो ये ओवरलैपिंग एरिया बड़ा हो जाएगा, नीचे वाली लोब को अट्रैक्ट करेगी तो ये ओवरलैपिंग जो एरिया होगा ये बड़ा हो जाएगा, लाइक दिस, कुछ इस तरह से शेप बनती है। और दरमियान में ये इसके नोड है या नोडल प्लेन है। यहाँ पे नोड के बारे में पहले आपको बता चुका हूँ, ये नोडल प्लेन होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो होती है। ये वाली लोब इसको अट्रैक्ट करेगी, ये इसको अट्रैक्ट करेगी तो ये पॉजिटिव ओवरलैप होगी, ये बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जब इनके दरमियान रिपल्शन होगी, नेगेटिव ओवरलैप होगी, नेगेटिव ओवरलैप में क्या होगा, ये लोब्स एक दूसरे को रिपेल करेंगी, ये इसको रिपेल करेगी, ये इसको रिपेल करेगी, तो रिपल्शन के नतीजे में एक दूसरे से अवे जाएंगी, लाइक दिस, एक दूसरे से अवे जाएंगी। और ये वाला जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, यहाँ पे दो नोड्स बनती हैं, एक ये वाली नोडल प्लेन है, एक ये वाली नोडल प्लेन है, इसको हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, अगर सपोज ये पी वाई ऑर्बिटल हैं तो यहाँ पे हम लिख देंगे पाई पी वाई ऑर्बिटल, और ये हो जाएगा पाई स्टार पी वाई ऑर्बिटल। और अगर ये पी जी ऑर्बिटल होते, पी जी ऑर्बिटल, तो यहाँ पे हम लिख देते पाई पी जी ऑर्बिटल, और ये हो जाता पाई स्टार पी जी ऑर्बिटल। तो इस तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप करते हैं, और उसके नतीजे में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन होती है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर और एंटी बॉन्डिंग। ये जो शेप्स थी बस इनको यहीं तक रखना है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ ले कि पी वाई या पी जी की ओवरलैप को शो करें अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और जो से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं उनकी शेप्स बताओ कैसी बनेंगी, तो फिर आपने ये शेप्स बतानी है, इस तरह से इसको एक्सप्लेन करना है। अदरवाइज जब हम एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे तो मैंने आपको बताया सिंपल, इस तरह से हम लाइन लगाएंगे और उस लाइन के ऊपर एक सर्कल बना देंगे, वही सर्कल या वही लाइन उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को शो कर रही होगी, चाहे वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो या एंटी बॉन्डिंग। वहाँ पे इस तरह शेप्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे इस तरह सिंपल लाइन लगा के, सपोज हमने पी वाई ऑर्बिटल की ओवरलैप लिखनी है तो लाइन लगाएंगे, उसके ऊपर सर्कल लगाएंगे, एक पी वाई ऑर्बिटल ये हो गया, एक ये हो गया, इनके मिलने से दो बन गए, एक लो एनर्जी का एक हाई एनर्जी का, वहाँ पे भी लाइन लगाएंगे, उसके ऊपर सर्कल लगा देंगे। वहाँ पे इस तरह शेप्स को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये बात आपने जहन में रखनी है। और ये शेप्स आपने याद कर लेनी है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैप होती है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे बनते हैं और उनकी शेप्स कैसी होती हैं। चलिए अब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जीज़ को डिस्कस कर लेते हैं।
जिस तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम नहीं होती, कोई लो एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, कोई हाई एनर्जी के होते हैं, इस तरह से जो उनके मिलने से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं उनकी एनर्जी भी सेम नहीं होती, कुछ लो एनर्जी के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, कुछ हाई एनर्जी के। ऑब्वियसली जो एंटी बॉन्डिंग वाले हैं वो तो हमेशा हाई पे होंगे और जो बॉन्डिंग वाले हैं वो हमेशा लो पे होंगे, लेकिन बॉन्डिंग वालों में भी आपस में तकसीम होती है एनर्जीज़ की और एंटी बॉन्डिंग वालों में भी आपस में तकसीम होती है। तो ये एनर्जीज़ को आपने याद रखना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जीज़ को आपने याद रखने हैं, क्योंकि इन्हीं एनर्जीज़ की लिहाज से जब हम एग्जांपल्स की मदद से एक्सप्लेन करेंगे कुछ मॉलिक्यूल्स को, हम एक्सप्लेन करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की मदद से, तो इन्हीं एनर्जीज़ के लिहाज से उनकी डायग्राम बनाई जाती है। तो ये एनर्जीज़ को आपने अच्छी तरह से जहन में रखना, याद कर लेना। इसे पहले मैं इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के जस्ट नाम लिख देता हूँ यहाँ पे ऊपर, फिर हम बाद में उसको एनर्जी वाइज भी लिखेंगे कि किस मॉलिक्यूल के लिए किस तरह से एनर्जी होगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की। तो 1s और 1s, दो 1s एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे तो उसके नतीजे में बनेगा सिग्मा 1s, फिर बनेगा सिग्मा स्टार 1s। ये जब 1s और 1s एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे, इस तरह से जब 2s और 2s एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे तो सिग्मा 2s और बनेगा सिग्मा स्टार 2s, ये वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। जब पी एक्स और पी एक्स आपस में ओवरलैप करेंगे तो सिग्मा 2px और सिग्मा स्टार 2px, ये वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। इस तरह से पी वाई जब आपस में ओवरलैप करेंगे तो पाई बॉन्ड बनेगा, पाई 2py एंड पाई स्टार 2py। और इस तरह से जब टू पी जी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे तो पाई 2pz मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा और पाई स्टार 2pz मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। तो कुछ इस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के नाम होंगे जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे, नामों को आपने याद कर लेना है। अब दो डिफरेंट कैटेगरीज हैं मॉलिक्यूल्स की, उनके अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जीज में स्लाइट चेंज आता है एक जगह के ऊपर, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम लिख लेते हैं एनर्जीज फॉर ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ऑक्सीजन और फ्लोरीन के मॉलिक्यूल के लिए जो इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी है वो थोड़ी कुछ और तरह की होती है, एक जगह पर डिफरेंस आता है। और फिर हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर बोरॉन, कार्बन एंड नाइट्रोजन, इनके मॉलिक्यूल्स के लिए थोड़ा सा चेंज होता है इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जीज में, वो हम यहाँ पे साइड पे उसको लिखेंगे, वो चेंज क्यों आता है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो नीचे से ऊपर की तरफ मैं जाऊँगा, लो एनर्जी से स्टार्ट करूँगा, जो नीचे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिखूँगा उसकी एनर्जी लो होगी, ऊपर की तरफ जाता जाऊँगा तो एनर्जी बढ़ती जाएगी। और जहाँ पर मैं दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को इक्वल लिखूँगा उसका मतलब उनकी एनर्जी दोनों की इक्वल होगी। तो इन केस ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन सबसे कम एनर्जी होती है सिग्मा 1s, फिर आता है सिग्मा स्टार 1s, फिर आता है सिग्मा 2s, फिर आता है सिग्मा स्टार 2s, फिर आता है सिग्मा 2px, फिर आता है पाई 2py इज इक्वल टू पाई 2pz। इन दोनों की एनर्जी इक्वल होती है, इसलिए दरमियान में इक्वल का साइन है, ये दोनों इक्वल एनर्जी पे होते हैं। इसके बाद पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2pz, इनकी एनर्जी इक्वल होती है, और सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है सिग्मा स्टार 2px की। ये एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपी एक टेक्निक का नाम है, उस टेक्निक की मदद से इन एनर्जीज़ को फाइंड आउट किया गया कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन के मॉलिक्यूल के लिए ये एनर्जीज़ कुछ इस तरह से होंगी। बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स के लिए यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस आएगा, यहाँ पर इस बात को मैं पहले आपको बता देता हूँ, सिर्फ यहाँ पर डिफरेंस आएगा, सिग्मा 2px की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी और पाई 2py पाई 2pz की एनर्जी कम हो जाएगी, बाकी सारी एनर्जी सेम रहेंगी। अगेन मैंने आपको बताया है कि ये स्पेक्ट्रोस्कोपिकली डिटरमाइन की गई हैं और इसकी रीज़न को भी हम डिस्कस करेंगे, वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है कि बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन के लिए ये 2px की एनर्जी क्यों बढ़ जाती है सिग्मा 2px की। तो अगेन यहीं से स्टार्ट करते हैं, सिग्मा 1s सबसे कम, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, फिर आएगा पाई 2py इज इक्वल टू, किसके इक्वल होती है पाई 2pz के, फिर इससे ज़्यादा एनर्जी होती है सिग्मा 2px की,
सिग्मा 2px, फिर इससे ज़्यादा होती है पाई स्टार 2py इज इक्वल टू पाई स्टार 2pz, और सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है सिग्मा स्टार 2px की। तो ये कुछ इस तरह से एनर्जी ऑर्डर होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का इन मॉलिक्यूल्स के लिए। तो इस एनर्जी ऑर्डर को आपने याद कर लेना है। ये एनर्जी ऑर्डर अगर आपको याद होगा तो जब हम इनकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रा करेंगे तो वहाँ पे आप इजीली उस डायग्राम को ड्रा कर सकते हैं। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के लिए हमने डायग्राम ड्रा करनी है और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल के लिए। तो ये रिलेटिव एनर्जीज का ऑर्डर आपने याद कर लेना है। ये वाला एक ऑर्डर याद कर लो और ये याद कर लो कि यहाँ पर चेंज आएगा, सिग्मा 2px की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी इन दोनों के मुकाबले में इन केस ऑफ बोरोन कार्बन एंड नाइट्रोजन। अब ये ऐसा होता क्यों है, क्यों इनकी जो सिग्मा 2px है इसकी एनर्जी बढ़ जाती है एज कंपेयर टू पाई 2py पाई 2pz इन मॉलिक्यूल्स के लिए। तो उसकी रीजन को कुछ इस तरह से एक्सप्लेन किया गया, स्पेक्ट्रोस्कोपिकली भी इनकी एनर्जीज को चेक किया गया। तो रीज़न उसकी कुछ इस तरह से उसको एक्सप्लेन किया गया कि बोरोन कार्बन और नाइट्रोजन के केस में जो 2s और 2px का एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत कम होता है। वैसे तो हमें पता है कि 2s जो ऑर्बिटल्स होते हैं, 2s ऑर्बिटल्स, उनकी एनर्जी स्लाइटली कम होती है एज कंपेयर टू 2px 2py एंड 2pz ऑर्बिटल, इनकी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होती है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जीज को साथ लेके आते हैं, जब इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल में दाखिल होता है तो वो उसकी एनर्जी को बढ़ा देता है। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन सपोज यहाँ पे मौजूद हैं 2s के अंदर, तो इसकी एनर्जी थोड़ी बढ़ जाएगी, इसका एनर्जी लेवल इनके थोड़ा करीब आ जाएगा। अगर px में एक इलेक्ट्रॉन आता है तो इनकी एनर्जी भी थोड़ी बढ़ जाएगी, लेकिन अगर यहाँ पे भी एक और आ जाता है और थोड़ी एनर्जी बढ़ जाएगी, यहाँ पे भी आ जाता है और थोड़ी एनर्जी बढ़ जाएगी, फिर यहाँ पे आ जाता है, जितने इलेक्ट्रॉन्स इंटर होते जाएंगे ये एनर्जी गैप बढ़ता जाएगा, एस की एनर्जी लो रह जाएगी, पी वालों की एनर्जी हाई होती जाएगी। लेकिन अगर हम बोरोन कार्बन वगैरह की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें, सपोज नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम देख लेते हैं। नाइट्रोजन ये होता है 1s2 2s2 2px1 2py1 एंड 2pz1, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अब तीनों पी ऑर्बिटल्स के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है, एस के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है। ये जो इसका एनर्जी गैप है ये इतना कम होता है, ये एनर्जी गैप, के ड्यूरिंग ओवरलैप जब इनकी आपस में होती है तो ये एक दूसरे के साथ अपनी एनर्जीज को एक्सचेंज कर लेते हैं। सिंपल रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपल वे में इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि एनर्जी गैप बहुत कम है इनका। इन केस ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन ये एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है। स्पेक्ट्रोस्कोपिकल डाटा ये शो करता है कि इन केस ऑफ बोरोन कार्बन एंड नाइट्रोजन जो एनर्जी डिफरेंस होता है ये 500 किलो जूल से लेकर 1100 किलो जूल पर मोल के दरमियान में होता है। जो ये जो एनर्जी डिफरेंस है 2s और 2px का जो एनर्जी डिफरेंस है, सबसे कम बोरोन के केस में होता है, उससे ज़्यादा कार्बन के केस में, उससे ज़्यादा नाइट्रोजन के केस में। लेकिन इन केस ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन ये जो एनर्जी डिफरेंस है ये होता है 1600 से 2000 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ पे चूंकि एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है एस और पी का, तो ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है, ये आपस में मिक्स नहीं हो सकते। लेकिन इनके केस में ये एनर्जी डिफरेंस कम है, तो जब इनके ओवरलैपिंग होती है तो ये एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हो जाते हैं, इनका कुछ हिस्सा एक दूसरे के साथ शेयर हो जाता है, ओवरलैपिंग हो जाती है, ये प्योर एस नहीं रहता, ये प्योर पी नहीं रहता, कुछ कुछ करेक्टर इसमें पी का आ जाता है, कुछ कुछ करेक्टर इसमें एस का आ जाता है, यानी एनर्जीज एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। जब एनर्जीज एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होती है तो वो एक्सचेंज इस तरह से होता है कि ये वाला जो एस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जीज मजीद लो हो जाती हैं, ये वाला जो एस ऑर्बिटल है ये अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देता है पी ऑर्बिटल के अंदर, पी एक्स ऑर्बिटल के अंदर। जब एनर्जी ट्रांसफर करता है तो इसके नतीजे में ये वाला जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं इनकी एनर्जीज फर्दर लो हो जाती हैं। लेकिन जब ये अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं तो इस सिग्मा 2px की एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि ये पाई 2py और पाई 2pz के मुकाबले में ज्यादा हो जाती है। ये तो ऑलवेज मैक्सिमम पे है, तो ये तो मैक्सिमम पे रहेगा,
जाएगा सिग्मा स्टार 2 पी एक्स। लेकिन जब एनर्जी की शिफ्टिंग होती है ये फर्दर लो एनर्जी हो जाते हैं, पहले से लो एनर्जी है लेकिन फर्दर लो एनर्जी हो जाते हैं। लेकिन जब ये अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं ये तो मैक्सिमम पे है तो मैक्सिमम पे रहेगा, लेकिन इसकी एनर्जी इस तरह से बढ़ती है सिग्मा 2 पी एक्स की कि ये इन दोनों के मुकाबले में पाई 2 पी वाई एंड पाई 2 पी जी ऑर्बिटल के मुकाबले में ज्यादा हो जाती है। इसलिए बोरोन कार्बन और नाइट्रोजन के केस में जो सिग्मा 2 पी एक्स ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी इन दोनों ऑर्बिटल्स के मुकाबले में ज्यादा होती है। इसकी रीजन को आपने जहन में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, सिंपल वे में मैंने आपको बता दिया, थोड़ा एनर्जीज का भी आइडिया दे दिया कि कितना एनर्जी गैप होता है इन केस ऑफ बोरोन कार्बन नाइट्रोजन एंड इन केस ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो चलिए लास्ट में हम एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं, चार एग्जांपल्स को हम डिस्कस करेंगे, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, हीलियम का मॉलिक्यूल, इसके बाद ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल और नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से स्टार्ट करते हैं H2 से। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल हमें पता है बनता कैसे है, दो हाइड्रोजन एटम्स के आपस में मिलने से। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s1। तो इसकी हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनानी है। तो यहाँ पे हम दो लाइनें लगाएंगे इक्वल लेवल पे, इक्वल एनर्जी लेवल पे, इसको मैं एनर्जी लेवल ही कहूँगा, ये इक्वल एनर्जी लेवल। ये एक हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल 1s, ये दूसरे हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल 1s। इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसको आप सर्कल भी ऐसे कर सकते हैं, ये सर्कल लगा दो। ये दोनों हाइड्रोजन्स के एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, 1s एटॉमिक ऑर्बिटल। मिलेंगे आपस में, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा। कंस्ट्रक्टिव के नतीजे में लो एनर्जी वाला ऑर्बिटल बनेगा जिसको हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे, और डिस्ट्रक्टिव के नतीजे में हाई एनर्जी वाला ऑर्बिटल बनेगा जिसको हम एंटी बॉन्डिंग कहेंगे। ये लाइन लो एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करती है, ये लाइन हाई एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करती है, यानी ये वाला बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और ये वाला है एंटी बॉन्डिंग, ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दो इलेक्ट्रॉन है टोटल, तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग अब इन एटॉमिक ऑर्बिटल से हमने इलेक्ट्रॉन को निकालना है, इनको लेके जाना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे और अकॉर्डिंग टू FBO प्रिंसिपल लो एनर्जी वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पहले फिल होंगे। तो ये लो एनर्जी वाला बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे, इसको सर्कल कर दो इस तरह से, और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा वो एम्प्टी रहेगा। नाम क्या होगा इसका, होगा σ1s और इसका होगा σ*1s। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है हाइड्रोजन के लिए, सिंपल सी है, शॉर्ट क्वेश्चन में अगर पूछ लेते इस तरह से आप इसको बनाएंगे। एक बात जो मैं आपको बताना भूल गया कि बॉन्ड ऑर्डर भी फाइंड किया जा सकता है कि जो दो एटम आपस में कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं कितने बॉन्ड बनेंगे, सिंगल बनेगा, डबल बनेगा, ट्रिपल बनेगा। तो बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला है, वो फार्मूला आपने याद रखना है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन BMO, यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और इसको डिवाइड कर देना है 2 से। जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर निकल आएगा। लो एनर्जी वाले सारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, हाई एनर्जी वाले सारे एंटी बॉन्डिंग होते हैं। तो यहाँ से हमने बॉन्ड ऑर्डर निकालना है हाइड्रोजन के लिए। देखो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में दो इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग एम्प्टी है, तो क्या बन जाएगा 2-0/2, कितना आंसर आ जाएगा 1। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है लाइक दिस, ये सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से हम इस थ्योरी की मदद से बॉन्ड ऑर्डर को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड एग्जांपल मैंने आपको बताई थी हीलियम के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन, हम देखेंगे कि क्या हीलियम का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 1s2। तो यहाँ पे दो लाइनें लगा लो इक्वल एनर्जी लेवल पे, ये एक हीलियम का 1s ऑर्बिटल, ये दूसरे हीलियम का 1s ऑर्बिटल, दो इलेक्ट्रॉन इसमें और दो इलेक्ट्रॉन ही इसमें, सर्कल कर दो इसको, इसको भी सर्कल कर दो। ये दोनों हीलियम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो गए, दोनों हीलियम एटम के आपस में मिलेंगे,
कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप होगा तो लो एनर्जी वाला मॉलिक्यूल, और ऑर्बिटल डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप होगा तो हाई एनर्जी वाला। चार इलेक्ट्रॉन है टोटल, दो लो एनर्जी वाले में आ जाएंगे क्योंकि एक ऑर्बिटल में दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। जब दो इसमें आ गए, बाकी दो बच गए, वो हाई एनर्जी वाले एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चले जाएंगे। तो इस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनेगी हीलियम की। ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और नीचे वाले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको हम कहेंगे सिग्मा वन एस और इसको कहेंगे सिग्मा स्टार वन एस। अब बॉन्ड ऑर्डर निकाल के देख लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका बनेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में भी दो इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा जीरो बॉन्ड ऑर्डर। चूंकि बॉन्ड ऑर्डर इसका जीरो आ रहा है, इसलिए हीलियम का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर ही जीरो आ रहा है। और ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि हीलियम एक नोबल गैस है, जितनी भी नोबल गैसेस होती हैं वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती, चूँकि हम इसका हम बॉन्ड ऑर्डर भी कैलकुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बॉन्ड ऑर्डर जीरो आने का मतलब है कि कोई भी बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता। अब जो दो मॉलिक्यूल रहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से भी बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन और ऑक्सीजन। पहले हम नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने पहले लिख लेनी है नाइट्रोजन की, 1s2 2s2 2px1 2py1 एंड 2pz1। ज़ाहरी बात है एक नाइट्रोजन की ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो दूसरे नाइट्रोजन की भी यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, दोबारा इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तो 1s1s से ओवरलैप करेगा, लेकिन उसको हम शो नहीं करेंगे क्योंकि डायग्राम बहुत लेंथी बन जाएगी। यूजली जो हम ओवरलैप शो करेंगे वो आउटर ऑर्बिटल्स की ओवरलैप शो करेंगे। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे वो सिर्फ आउटर ऑर्बिटल्स की बनाएंगे, इनर को हम यूज़ नहीं करेंगे। लिख सकते हैं इसको, लेकिन यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे, डायग्राम लेंथी बन जाएगी। दूसरी बात, SS जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनकी डायग्राम हमने अलग बनानी है नीचे। नीचे बनाने का मकसद ये होता है क्योंकि उनकी एनर्जी लो होती है तो उनको नीचे बनाते हैं। SS वालों की एनर्जी लो होती है, उसकी डायग्राम अलग बनाएंगे और नीचे बनाएंगे। और जो P ऑर्बिटल्स हैं PX PY PZ, इनकी ऑर्बिटल डायग्राम इकट्ठी बनेगी और इसको S वालों से ऊपर बनाएंगे। तो पहले हम 2S, एक नाइट्रोजन का 2s और दूसरे नाइट्रोजन का 2s, इसकी डायग्राम बनाते हैं और इसको नीचे बनाएंगे। ये एक नाइट्रोजन का 2s, एक लाइन लगा दो, इसके सामने दूसरी लाइन लगा दो सेम लेवल के ऊपर, क्योंकि एनर्जी तो दोनों की सेम होगी, दोनों नाइट्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल की। दो इलेक्ट्रॉन इसमें, दो इलेक्ट्रॉन इसमें, सर्कल कर दो इसको, मिलेंगे आपस में, दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s। जो सिग्मा 2s होगा उसकी एनर्जी लो होगी, उसको नीचे बना दो लाइक दिस, ये लाइन एक नीचे और एक लाइन इसके ऊपर बना दो। टोटल चार इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आ जाएंगे और दो एंटी बॉन्डिंग, एक सर्कल यहाँ पे, एक सर्कल यहाँ पे। ये लो एनर्जी वाला बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये हाई एनर्जी वाला एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको हम कहेंगे सिग्मा 2s और इसको हम कहेंगे सिग्मा स्टार 2s। इसके बाद जो P वालों की डायग्राम है वो हमने अलग बनानी है और इससे ऊपर बनानी है, क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ एनर्जी इंक्रीज होती है। सबसे कम एनर्जी उससे ज़्यादा, कम एनर्जी उससे ज़्यादा, इससे ऊपर P वाले, इसलिए मैंने ये साइड पर लिखे हुए हैं ताकि आपको यहाँ से देख कर इसकी समझ आती जाए। तो यहाँ पर आपने एक लाइन लगा लेनी है थोड़ी बड़ी और इसके सामने एक और लाइन लगा लेनी है थोड़ी बड़ी करके, क्योंकि तीन तीन पी ऑर्बिटल होते हैं एक नाइट्रोजन के पास, इस तरह दूसरे नाइट्रोजन के पास भी तीन पी ऑर्बिटल होंगे। तो एक नाइट्रोजन के पी ऑर्बिटल यहाँ पे बना लेने, तीन सर्कल बना लो और इस लाइन के ऊपर भी तीन सर्कल बना लो। इलेक्ट्रॉन देख लो एक एक है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल कर दो, नाम भी लिख लो, इसको PX कर लो, इसको PY कर लो, इसको PZ, इस तरह PX PY एंड PZ, साथ 2 भी लिख दो, 2PX 2PY एंड 2PZ आपस में मिक्स होंगे, छः नए ऑर्बिटल बनेंगे। उन छः में से तीन लो एनर्जी के होंगे, तीन हाई एनर्जी के होंगे। लो एनर्जी वालों को हम बॉन्डिंग कहेंगे और हाई एनर्जी वालों को हम एंटी बॉन्डिंग कहेंगे। एनर्जीज आप यहाँ से देख लो,
ये दो लो एनर्जी वाले, ये तीन लो एनर्जी वाले पाई टू पी वाई, पाई टू पी जी और सिग्मा टू पी एक्स, ये लो एनर्जी वाले जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे और जिनके साथ स्टार लिखा हुआ है, ये एंटी बॉन्डिंग। इनमें से भी एनर्जी की डिवीजन किस तरह से है, सबसे कम एनर्जी इन दोनों की है, फिर उससे ज़्यादा एनर्जी इस एक ऑर्बिटल की है, उससे ज़्यादा इन दोनों की है और सबसे ज़्यादा इसकी है। अब आपने इसको करना इस तरह से है कि यहाँ पे नीचे वाली साइड पे लाइक दिस दो लाइनें आपने बना लेनी है, दो ही लाइनें हमें चाहिए यहाँ पे, क्योंकि इन दोनों की एनर्जी कम है तो यहाँ पे ये दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आएंगे नीचे वाली लाइन के ऊपर। ये लाइन एनर्जी को शो करती है, आपने इस चीज़ को जहन में रखना है। लो एनर्जी ये दोनों ऑर्बिटल इस लाइन पे आएंगे, तो ये दो सर्कल यहाँ पे लगा दो, नाम लिख दो पाई टू पी वाई एंड पाई टू पी जी। इससे ऊपर आ जाओ अब, इससे ऊपर क्या आएगा, सिग्मा टू पी एक्स, तो इस लाइन के ऊपर आ जाएगा कौन सा ऑर्बिटल, सिग्मा टू पी एक्स। अब चले जाओ एंटी बॉन्डिंग की तरफ। एंटी बॉन्डिंग में भी टोटल तीन ऑर्बिटल हैं, इन दोनों की एनर्जी इक्वल है और इसकी उससे भी ज़्यादा है, तो यहाँ पे भी हमें दो ही इस तरह से लाइन रिक्वायर्ड हैं लाइक दिस। एक लाइन आप ऐसे लगा दो और एक इससे थोड़ी ऊपर लगा दो लाइक दिस। अब देखो इस लाइन के ऊपर ये जो लाइन आई है, क्योंकि सिग्मा टू पी एक्स से ज़्यादा एनर्जी इन दोनों ऑर्बिटल्स की है, तो इस लाइन के ऊपर हम दो ऑर्बिटल्स बनाएंगे। ये होगा सिग्मा स्टार टू पी वाई और ये होगा सिग्मा स्टार टू पी जी, और सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी है, सिग्मा स्टार टू पी एक्स की, तो यहाँ पे हम बनाएंगे सिग्मा स्टार टू पी एक्स। ये एनर्जीज आपने याद रखनी है, एनर्जीज अगर आपको याद हैं तो ये तरीका मैंने आपको बता दिया। ये जो लाइन है ये एनर्जी को शो करती है, लो एनर्जी हाई एनर्जी, हाई एनर्जी सबसे हाई एनर्जी। ये लाइनें आप यहाँ से गिनते जाओ, यहाँ पे आएगा इस लाइन के ऊपर आएंगे ये वाले दो ऑर्बिटल्स, तो दो सर्कल बना दो, उससे ऊपर वाले लाइन के ऊपर एक ऑर्बिटल ये वाला सर्कल, उससे ऊपर वाली लाइन पे फिर दो ऑर्बिटल और सबसे ऊपर ये वाला ऑर्बिटल। अब इनमें करनी है हमने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग, तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करने के लिए पहले टोटल ये इलेक्ट्रॉन गिन लो, तीन और तीन छः इलेक्ट्रॉन, तो दो इसमें पहले, फिर दो इसमें और फिर दो इसमें, छः इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, फिलिंग कंप्लीट हो गई। छः के छः इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग वालों में है, एंटी बॉन्डिंग में कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये वाले सारे बॉन्डिंग है, ये भी बॉन्डिंग है, इसको चाहे तो आप शामिल कर लो चाहे ना करो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। हम सिर्फ इन्हीं के लिहाज से ये वाले बॉन्डिंग लेंगे और ये वाले एंटी बॉन्डिंग लेंगे और इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे। तो दो चार छः, छः इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग वालों में है, एंटी बॉन्डिंग में कोई नहीं है, ज़ीरो बाय टू ये हो जाएगा थ्री, तो इसका मतलब है नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में दो नाइट्रोजन एटम्स के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये हम पहले पढ़ भी चुके हैं। तो इस तरह से बॉन्ड ऑर्डर भी फाइंड आउट किया जा सकता है। उम्मीद है इस डायग्राम की आपको समझ में आ गई होगी। ये एनर्जीज अगर आपको याद हैं तो ये बनाना मुश्किल नहीं है, याद रखना है। एस वालों की डायग्राम हमेशा नीचे बनाते हैं, अलग बनाते हैं, और जो पी वाले हैं उनकी इकट्ठी बनाते हैं, इससे ऊपर बनाते हैं, और इस तरीके से उसको बनाना है। अगर आपको ये एनर्जीज याद हैं तो लाइनें लगाओ, दो लाइनें आपको बॉन्डिंग के लिए लगानी पड़ेंगी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लिए, और दो एंटी बॉन्डिंग वालों के लिए। तो बॉन्डिंग वालों के लिए सबसे लोअर लाइन पे ये वाले आ जाएंगे दोनों, उससे हायर लाइन पे, फिर उससे हायर लाइन पे, फिर सबसे ज़्यादा एनर्जी वाली जो लाइन होगी उस पर ये वाला सिग्मा टू पी एक्स ऑर्बिटल आ जाएगा, सिग्मा स्टार टू पी एक्स ऑर्बिटल। चलिए लास्ट एग्जाम्पल है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन को हमने एक्सप्लेन करना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिख दी है, डायग्राम भी बिल्कुल वही नाइट्रोजन वाली है, जहाँ पे चेंज हमें चाहिए वो मैंने रेज कर दिया है, बाकी सेम डायग्राम है, इसको दोबारा बनाने की मुझे ज़रूरत नहीं थी। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से ये तीन पी ऑर्बिटल एक ऑक्सीजन के, ये तीन पी ऑर्बिटल दूसरे ऑक्सीजन के, पी एक्स में दो इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर पी एक्स में दो इलेक्ट्रॉन कर दो। बाकी ये एस वाले की डायग्राम हम अलग बनाएंगे, नीचे बनाएंगे, वो पहले से ही नाइट्रोजन के लिए बनाई हुई थी, वही मैंने बनी रहने दी, ये ऐसे ही बनेगी, लेकिन पी वालों के लिए थोड़ा चेंज आएगा। अब यहाँ पे देखो सिग्मा स्टार टू एस से ज़्यादा एनर्जी है सिग्मा टू पी एक्स की, तो सिग्मा स्टार टू एस से ज़्यादा एनर्जी है सिग्मा टू पी एक्स की, यानी इस लाइन के ऊपर ये एक ऑर्बिटल आएगा,
ये एक ऑर्बिटल इस लाइन के ऊपर, इससे ज्यादा एनर्जी किसकी है, पाई टू पी वाई एंड पाई टू पी जी की, दोनों की इक्वल है, तो इस लाइन पे दो ऑर्बिटल आएंगे, पाई टू पी वाई एंड पाई टू पी जी, पाई टू पी वाई पाई टू पी जी, ये हो जाएगा सिग्मा टू पी एक्स। इससे ऊपर एनर्जी देखो पाई स्टार टू पी वाई पाई स्टार टू पी जी, सेम लिखा हुआ है पहले, और सबसे ज्यादा एनर्जी सिग्मा स्टार टू पी एक्स, वो भी लिखा हुआ है। तो सिर्फ यही चेंज आने से जो हमने यहाँ पे कर दी है नाइट्रोजन की डायग्राम में और ऑक्सीजन की डायग्राम में। अगेन इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स गिन लो, चार और चार आठ, यहाँ से स्टार्ट करो, दो चार छः, और एक इलेक्ट्रॉन इसमें पुट करना है और एक इलेक्ट्रॉन इसमें, अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन हम पुट नहीं कर सकते, क्योंकि हुंड्स रूल कहता है कि अगर इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल, इनकी एनर्जी इक्वल है इसीलिए इक्वल लिखा हुआ है इनको, अगर इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल अवेलेबल हों तो इलेक्ट्रॉन पहले सेपरेट ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करते हैं, क्योंकि छः इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, बाकी दो इलेक्ट्रॉन बचे थे आठ में से, तो वो दो इलेक्ट्रॉन एक इस पाई स्टार ऑर्बिटल में चला जाएगा, दूसरा इस पाई स्टार ऑर्बिटल में चला जाएगा। अब चूंकि ऑक्सीजन के पास ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इनको हम कहते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जब स्पिन करते हैं ऑर्बिटल्स के अंदर तो इनकी स्पिन से फील्ड जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड। अगर तो इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप हैं तो एक दूसरे के स्पिन को कैंसिल कर देंगे, किसी भी किस्म का फील्ड जनरेट नहीं होगा। लेकिन अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, जब ये स्पिन करेंगे घूमेंगे तो वहाँ पर फील्ड जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड। जब हम इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के पास लेके जाएंगे तो ये उसकी तरफ वीकली अट्रैक्ट होगा। तो अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिस भी एटम के पास, जिस भी मॉलिक्यूल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होगा। चूंकि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं इसीलिए ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होता है। जो पीछे हम थ्योरीज पढ़ चुके हैं वो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकी थी कि क्यों ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है वो एक्सटर्नल मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है। बाकी इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर, तो ये छह इलेक्ट्रॉन इसके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, दो इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में, बाय टू ये हो जाएगा टू, बॉन्ड ऑर्डर टू। इसका मतलब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड होता है। तो ये जी हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यहां तक कंप्लीट हो गई, एक ही वीडियो में मैंने इसको कंप्लीट कर दिया ताकि आपको बार बार इसको ढूंढना ना पड़े वीडियोस को। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। बेसिक आपने पॉस्टुलेट्स को समझना है अच्छे से, दो दफ़ा चाहे उस पार्ट को देखो पॉस्टुलेट्स वाले को। फिर डायग्राम्स मैंने आपको बनाना बता दी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की डायग्राम्स कैसे बनती हैं, उनका और कहीं पे यूज़ नहीं है, वो सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है कि अगर ये वाले दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं तो इनसे बनने वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की शेप्स कैसी होंगी। नाम याद रखने हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के, उनकी एनर्जीज़ का ऑर्डर याद रखना है, एनर्जीज़ का ऑर्डर याद होगा तो तभी हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन कर सकेंगे। तो अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।